आई थिंक जलेबी बहुत ही कर्वी मिठाई है ना, गोल गोल, बहुत कर्व्स है जलेबी में. दैट इज व्हाट आई रिलेट टू द मोस्ट. आइला, जलेबी के कर्व से ही सिर्फ मल्लिका शरावत अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं। मल्लिका को लगता है कि जिस तरह जलेबी के कर्व ही उनकी आइडेंटिटी होते हैं, वैसे ही उनके भी. आई थिंक जलेबी बहुत ही कर्वी मिठाई है ना, गोल गोल, बहुत कर्व्स है जलेबी में. That is what I relate to the most. Well, मल्लिका शरावत आई थी अपनी फिल्म डबल धमाल और जलेबी बाई को प्रमोट करने, जहां उन्होंने जलेबी बनाई भी थी और मीडिया को जमकर खिलाई भी थी. लेकिन मल्लिका सबसे पहले इन गरम गरम जलेबियों को किसे खिलाना चाहती हैं? ओबामा को. I would like to give President Obama this specially handmade jalebi bag. ओबामा को खिलाएंगी मल्लिका हैंडमेड जलेबी. जब हैंडमेड फूड की बात आ ही गई है, तो मल्लिका जरा ये भी बता दो कि आप कौन कौन सा खाना बना सकती हैं? मैं जूस बना सकती हूँ. क्या कहा, जूस? Yes, that's what I said. I can make milkshakes, I can make some juices. वैसे मल्लिका, अब आपके हाथों का जूस पीने जैसा नसीब हमारा तो नहीं है, लेकिन हाँ, रोज नए नए गानों में आपके ठुमके देखने का नसीब जरूर है. वैसे आपको नहीं लगता कि अगर आप रोज ऐसे ही ठुमके लगाती रहेंगी तो एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाएगा? अच्छा है, किसी चीज के लिए तो नाम आएगा. मतलब बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ. वैसे ये तो बताइए कि आप तो शालू भी बनी हैं, तो जलेबी की तरह क्या लोग शालू के ठुमकों के भी दीवाने हुए हैं? आप दीवाने हुए कि नहीं शालू के ठुमकों, ये बताइए पहले. हम तो दीवाने नहीं हुए, पर फिर भी बताइए तो सही कि शालू के ठुमके कैसे रहे? आपको बड़ी फिक्र है मेरे ठुमकों की. फिक्र तो होगी ही, क्योंकि जब भी ठुमकों का जिक्र होता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है. वैसे मल्लिका, हमने सुना तो ये भी है कि आपने सिर्फ पैसों के लिए ही शालू सॉन्ग किया था. शालू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आई डिड इट बिकॉज़ दे पेड मी अ वेरी गुड अमाउंट. मतलब पैसों के लिए आप कभी भी कैसे भी नाचने के लिए तैयार हैं. अरे हाँ मल्लिका, नाच से याद आया कि सेंसर बोर्ड को आपके नाच और ड्रेस दोनों से प्रॉब्लम है. उसमें क्या नई बात है? जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, सेंसर है सोसाइटी का कैंसर. ये तो थी मल्लिका के साथ आधी बात. पूरी बात हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे बीच नाइट में. सो डोंट मिस इट.